कप्तान ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। गेंद पर स्वीप किया नजाकत से, गेंद बाउंड्री के बाहर। बल्लेबाज अंपायर के फैसले से नाखुश, लगता है रिव्यू के लिए जाएंगे। विकेट के लिए बेकरार और यहां फील्डिंग में कुछ परिवर्तन। बड़े ही ध्यान से बॉल को देखा और सीधा प्रहार किया। कमाल की फील्डिंग, गुलेल की भांति बॉल फेंकी सीधा क्रीज पर। अच्छा थ्रो, क्या जबरदस्त फाड़ू डिलीवरी, उड़ा के रख दिया बेल्स को। बॉलिंग टीम का घमासान, एक और बल्लेबाज धूल चाटता हुआ। बहुत बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव खेला कॉपी बुक स्टाइल में। कैच, फील्डर ने सही अनुमान के साथ कैच को पकड़ा। इनके पास सेटल होने के लिए समय ही नहीं था, पहली गेंद पर ही आउट। डक गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर। इनके पास सेटल होने के लिए समय ही नहीं था, पहली गेंद पर ही आउट। डक खिंचा के मारा है, ऊंचा मारा है और अंत में अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी थ्रो फेंकी सीधा स्टंप्स के ऊपर। बहुत करीबी मामला हो सकता है, बल्लेबाज ने डाइव लगा दी है। बॉलर की विश्वास भरी अपील पर अंपायर प्रभावित नहीं, अपील को नकार दिया। दो रन और जोड़ दीजिए और स्ट्राइक भी वापस ले लीजिए। एक के पीछे एक, ये खोई उन्होंने एक और विकेट। उम्मीद नहीं थी कि कैच हो जाएंगे, स्ट्राइकर जा रहे हैं पवेलियन का रास्ता नापते हुए। अंपायर ने कहा आउट और जश्न का माहौल। फील्डिंग यूनिट हैट्रिक लेने का मौका है अगर वो इस गेंद पे विकेट ले लेते हैं तो। बल्लेबाज की बेहतरीन प्लेसमेंट, जगह बनाई और प्लेस कर दिया बॉल को ऑफसाइड की तरफ। मौका है तीन विकेट लेने का, ओ चूक गए इस बार। गेंद इस बार रिवर्स स्विंग, अंपायर ने कहा आउट और जश्न।
बल्लेबाज ने रिव्यू का फैसला लिया है। जी हाँ, ये थर्ड अंपायर के बाद निर्णय जा रहा है। और अंपायर का बैटिंग। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर। आगे बढ़े और उठा दिया ऑन साइड की तरफ और गेंद गई चार रन के लिए। लगता है गेंदबाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं। पहली गेंद पे ही चौका। पारी को समाप्त किया अलबेले अंदाज में छह रन के साथ।